राहुल गांधी नहीं रहे सांसद, लोकसभा सदस्यता हुई खत्म, अब क्या करेंगे कांग्रेस नेता, क्या है उनके पास विकल्प। 2019 के एक भाषण का विवाद इतना बढ़ा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई। इस मामले में 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। इस फैसले के अगले दिन 24 मार्च को राहुल गांधी अपनी लोकसभा सदस्यता से हाथ धो बैठे। इस पूरे मामले में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। दूसरे दल भी राहुल गांधी की सदस्यता पर आए फैसले को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा। उससे पहले सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या कुछ कहना है। ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जच रहा नहीं, तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा। लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। दरअसल मोदी सरनेम विवाद के बीच राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा। उनकी लोकसभा सदस्यता को खत्म करने का फैसला लिया गया। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के मुताबिक किसी संसद सदस्य को किसी भी अपराध में दोषी करार दिया जाता है और कम से कम 2 साल की सजा सुनाई जाती है, तो संबंधित सांसद संसद का सदस्य रहने के योग्य नहीं रहता है, उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। बड़ी बात यह है कि सूरत की जिस अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाई है, उस अदालत ने राहुल गांधी को फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए 1 महीने का समय दिया है। उस समय तक राहुल गांधी की सजा पर रोक रहेगी और राहुल गांधी जेल जाने से बचे रहेंगे, लेकिन सदस्यता जाने के साथ ही उनके वोट देने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी को 1 महीने के अंदर कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट में याचिका दायर करनी होगी। अदालत के फैसले पर राहुल गांधी का भविष्य निर्भर होगा। अगर सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। इसके अलावा उन पर 6 साल का प्रतिबंध भी लग सकता है, मतलब इस दौरान वो 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का रुख भी कर सकते हैं। इस स्थिति में अगर सजा से राहत मिलती है तो राहुल गांधी अपनी सदस्यता बचाए रख सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।